सुबह पुलिस को सूचना मिली है, पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया गया है। उसमें जो अब तक प्रारंभिक पता चला है उसमें घर के परिजन का ही हाथ है। कोई संभावना है कि पत्नी के द्वारा ही घटना हुई है, बाकी घटना हो रही है जो सत्यता हो रही है जानगंज में। हाँ, थाना क्षेत्र में मीरपुर गांव में दो बच्चों में आपस में घात हुई है, उसके बाद फायरिंग हुई है। उस फायरिंग में दो बच्चियों को और एक आदमी को गोली लगी हुई है और वो सब अस्पताल आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या भैया हमने बीच बचाव किया था लड़ाई का, इतने में फावड़ा ले गए और लाठी डंडे ले गए, असला ले गए, हमला कर दिया घर पे चढ़ के। नीचे उतर रहे थे, अंदर जा रहे थे तो एकदम कुछ निकल गया लग के, गोली वोली हुई, गोली पता नहीं मुझे नहीं मालूम, एकदम निकल गया लग के, लग के निकल गया। कोई भगदड़ वगैरह हुई तो फायरिंग आ रही है, खूब जोर था, ईंट पत्थर चल रहे थे, सब कुछ चल रहा, तो हम तो भाई एकदम भाग गए, कुछ लगा मेरे एकदम ऊपर भाग गए, यही रहते हैं। फरुखाबाद थाने में नुनाई क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई है जिसमें दो लोगों को गोलियां लगी हुई है, एक बच्चा है जिसके सिर में लगी है और दूसरा व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी हुई है, ये भी शाम की घटना है। तो इनको भर्ती करा दिया गया, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी कार्रवाई हो रही है।